चुभती जलती गर्मी में कोस्टल राइड खत्म करते करते ही सोच लिया था कि इस बार जाएंगे तो पहाड़ों में ही जाएंगे। राइड हम सोच रहे हैं पहाड़ों में ही करेंगे, ये सब कोस्टल राइड जो होना था हो चुका है, अब जाएंगे हम पहाड़ में, बिंदास पहाड़ में चलाएंगे। यार पहाड़ में ज्यादा एंगेजिंग लगता है यार, एनर्जी वापस आ जाता है। और राइड खत्म होते ही हमारे लद्दाख ट्रिप पे पानी डाल दिया घर वालों ने, हो गई हमारी शादी। तो अब क्या, अब जाएंगे हम सब अपने बीवियों के साथ लद्दाख। तो इसके बाद पैकिंग चालू, छुट्टी अप्रूव कर लिए थे और हम निकल पड़े फिर दिल्ली के लिए। एंड एज यूजुअल हम लोग वही होते हैं जो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं 3 घंटे पहले ताकि लाउंज का एक्सेस लिया जाए। और इधर आप देख ही सकते हो बिस्तर वालों ने हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा लगेज अलाउ किया था अंदर लेके जाने के लिए। तो थम्स अप टू विस्तारा फॉर दिस। चलो इस बीच में सबका इंट्रोडक्शन आपको साथ करवा देते हैं। ये है मदन और मणिकंदन। मदन है मणिकंदन का ऑफिस का कलीग, ये उनका फर्स्ट राइड है हम लोगों के साथ। और मणिकंदन को आप लोगों ने पहले ही देखा होगा मेरे साथ KTM के प्रो एक्स की राइड्स पे, और उसके बाद वो हमारे साथ कोस्टल राइड्स पे गए थे। समय से पूर्व आपका स्वागत है। जो यात्री आगे के अंतर्राष्ट्रीय सफर कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि वे हमारे ग्राउंड स्टाफ से संपर्क करें। बाहर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। तीन घंटा पवन के घर पे VIP ट्रीटमेंट मिलने के बाद हम पहुंच गए 500 किलोमीटर ट्रेन राइड के लिए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये ओवरनाइट जर्नी है और सुबह तक हम पहुंच जाएंगे जम्मू रेलवे स्टेशन। लो जी पहुंच गए जम्मू। ये रहा ट्रेन उत्तर संपर्क। तो आप सोच रहे होंगे कि ये बाइक ट्रिप था, बाइक्स कहाँ गए? तो इधर आता है हम लोगों का सबसे बड़ा पहला चैलेंज, द ग्रेट इंडियन लॉजिस्टिक्स चैलेंज। तो लद्दाख जाने का विंडो काफ़ी छोटा होता है अगर आप खास करके मोटरसाइकिल से कर रहे हो। रोड खुलना चालू हो जाता है मई एंड से, और इस टाइम पे रोड्स पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ मिलता है, एंड बर्फ और बीवी के साथ राइड करना एक ज़्यादा ही एडवेंचर हो जाएगा। तो ये सब एडवेंचर दूर रख के हम लोगों ने डिसाइड किया कोई और मंथ देखते हैं। नेक्स्ट मंथ आता है जून, एंड जून के टाइम पे अमरनाथ यात्रा चालू होता है। और अमरनाथ यात्रा के टाइम पे तो आपको पता ही होगा कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने ये फेस किए थे। नेक्स्ट आता है जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर के उस टाइम तक, तो इस दौरान भी अमरनाथ का यात्रा चालू रहता है। अगस्त में जाके ये ख़त्म होता है, और अगस्त इज़ द सीज़न जहाँ पे मनाली में काफ़ी ज़्यादा बारिश चलता है, तो लैंडस्लाइड होने का चांसेस रहते हैं, रोड ब्लॉकेज वॉकेज होने का चांसेस रहते हैं। एंड वी हैड फिक्स्ड टाइम टू गेट बैक टू आर
ऑफिसेस, रेस्पेक्टिव ऑफिसेस। तो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो जून में ही करते हैं। नेक्स्ट टाइम अक्टूबर लास्ट मंथ है जहाँ पे आप जा सकते हो, बट अक्टूबर में क्या है ना, दुर्गा पूजा रहता है, तो शादी के बाद का पहला दुर्गा पूजा है, खास करके हमें घर जाना भी है। तो ऑलमोस्ट 3 years वी हैवंट बीन टू होम ड्यूरिंग द दुर्गा पूजा, तो इस बार अक्टूबर तो कैंसिल करना ही था। जून में अभी डेट फिक्स करना है कि अमरनाथ यात्रा से पहले हम लोगों को बालताल क्रॉस करना है। अब बालताल इज अ कैंप जहाँ से अमरनाथ का यात्रा चालू रहता है, मतलब जहाँ से बेस कैंप बोल सकते हो। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि लास्ट वीक ऑफ जून हम लोग चालू करते हैं एंड फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस बीच में ही अमरनाथ का यात्रा चालू होगा, बट हम लोग वो फेस नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग अमरनाथ यात्रा से पहले बालताल क्रॉस कर जाएंगे। तो नेक्स्ट बिग प्रॉब्लम था प्लेसेस ऑफ स्टे। तो इसके लिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि कहाँ कहाँ से स्टॉप लेना सही रहेगा, खास करके हम लोग इस बार पिलियन के साथ राइड कर रहे हैं, तो वी कांट स्ट्रेच आवरसेल्व्स टू द लिमिट। इस बार हम लोगों को पिलियन का कंफर्ट भी देखना है, तो हम लोगों ने प्रॉपर स्टॉप्स देखे और उसको डिसाइड भी किए। एंड ये कुछ स्टॉप्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये सब जगह पे हम लोगों ने रुके थे। एंड नेक्स्ट जब स्टॉप्स डिसाइडेड हो चुके हैं तब अब क्या करना है, फ़ोन उठाना है और हर एक जगह पे कोल्ड कॉल करना चालू करना है, क्योंकि बेस्ट डील्स आपको डायरेक्टली कॉल करने पे मिलेगा। मेगमा ट्रिप वगैरह में बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलेगा और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आपको मिलेगा ही नहीं, तो बेस्ट चीज़ है गूगल मैप में देखो, कॉल करना चालू करो, नहीं तो मैं अपना लिस्ट इधर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनके उधर भी स्टे कर सकते हो। हर एक स्टेज काफ़ी सही था। अब जब ये सब काम जाम हो गया, अब आते हैं बाइक्स। तो बाइक्स हमारे हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे। चेन्नई में है 3 bikes, दिल्ली में है 1 bike, इंदौर में है 1 bike और मुंबई में है द लास्ट बाइक। तो सबको एक ही साथ पहुँचना था जम्मू, मतलब ऑलमोस्ट एक ही साथ एक ही दिन में पहुंचना था जम्मू। इसके लिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि ट्रेन में ही भेजते हैं, क्योंकि सेफ एक्सप्रेस में भेजेंगे तो हम लोगों के पास कोई डेफिनेट एड्रेस नहीं है कि हम उसके उधर डिलीवर कर सकते हैं, तो रेलवे इज़ द बेस्ट, हम उधर से ही भेजें। और रफली अराउंड 7000 मेरा कॉस्ट आया था, हाँ थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया था इन लोगों ने, बट आप अगर नेगोशिएट कर सकते हो तो बेस्ट रेट 5000 में आपको आ जाएगा। प्राइवेट से नहीं भेजे थे, रेलवे की तरफ से भेजे थे। एंड वी कलेक्टेड आवर बाइक एट जम्मू, बाइक पहुँच गया इधर। ये पवन वाला बाइक है, निकालेंगे अभी इसको। ये मेरा वाला बाइक है, ये रहा। चलो और उधर अभी भी ढूंढ रहे हैं एक बाइक, हाँ मिल रहा वो रहा। अभी तो बस सिर्फ एक बाइक का हुआ है, दिखा देता बाइक का हुआ है, बाकी सब बाइक 9 बजे के बाद। और इस इंसान को तो आप जानते ही होंगे, जो नहीं जानते ये ज़िंदगी से परेशान यूपीएससी एस्पिरेंट से हम मिले थे केदारकंठा के पहाड़ों में। हमने कहा यूपीएससी तो होता रहेगा, चलो हमारे साथ लद्दाख। फिर उसके बाद तो एक के बाद एक ट्रिप होता ही रहा, आप लोग देख ही सकते हो। ये बंदे का वीडियो हर जगह है मेरे चैनल में, कहीं भी जाना हो बस एक बार बोल दो बंदा हाजिर। यह है ऋषभ। ऋषभ वैसे तो है मुंबई से, बट वो मुंबई के बाहर ही आपको ज़्यादा दिखेगा। मोस्टली ऋषभ के साथ हम लोगों ने टूर किए हैं केरला में, और वायनाड में हम लोगों को दिख गया था टाइगर, वो भी टी स्टेट के अंदर। ये ऑलमोस्ट इसको इतना पैकिंग था बबल रैप रैप करके, अभी थोड़ा सा बाकी है बस इसको उतार रहे हैं, वो बाकी दूसरे वाले को उतार रहे हैं। अभी देख ही सकते हो पैकेजिंग तो सही था, तगड़ा वाला पैकिंग था। चलो ये भी आ गया, इसको भी अनरैप करते, इसको तो भाई प्लेटफॉर्म से लेके आना पड़ा, फुट गया एकदम। बहुत गर्मी यार, बहुत गर्मी। One eternity later. अच्छा राइडिंग जैकेट पहन के आ जाओ। अरे भाई देखो हालत, देखो भाई राइडिंग जैकेट पहन के। राइडिंग जैकेट के लिए जगह ही नहीं है। 40 degrees है भंजो। और ये है कार्तिक। कार्तिक के साथ हम कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेडली मिले थे। कौन सा रूट है भाई? ये वाला देख, पुलिस वाले हैं दिल्ली के, मिल गए हैं बंदे, तो उनके साथ निकल लेते हैं थोड़ा दूर तक का। ओके क्या हो गया? ठीक है ब्रो, आराम से जाना और कांटेक्ट में रहना, है ना। रात में तो मैसेज छोड़ देंगे कि कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं, फिर देखते हैं। उन लोग को भी देखो और वो दोनों को भी ले जाना साथ में। हाँ, देखते हैं द्रास तक का में रुक जाएंगे, बताते हैं वहाँ कहाँ कैसे रुके। ठीक है, ओके, चलो बेस्ट ऑफ लक।
हाँ यहाँ से चल रहे हैं हम। हाँ मतलब हम लोग जा रहे हैं, आप लोग अंदर शहर से जाओगे, ठीक है, आराम से जाओ, रहते हैं कांटेक्ट में, देखते हैं कैसे। हाँ 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 ठीक है, मिलते हैं भाई, चलो ओके। और लद्दाख ट्रिप के एक साल बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो कोस्टल इंडिया भी नाप लेते हैं। फिर क्या, निकल पड़े थे हम लोग अपने बीवियों के साथ कोस्टल इंडिया घूमने। ये धक्का लगा के अभी ये स्टेशन के एंड है, वो एकदम आगे की तरफ जाना है, उधर है पार्सल ऑफिस। भाई साहब आज जम्मू का डे हम लोगों के लिए बफर डे है, तो सब कुछ प्रिपेयर करके मिलते हैं कल सुबह। खुद से मिलाने चला है ओ दीवाने, खुद ही को खुद से मिलाने चला है ओ दीवाने, गवाह है गुजरे जमाने चले हैं जब परवाने। चलो सब आ गए, पीछे भी काफिला दिख रहा है भाई, पूरा फुल ऑन पैक्ड है यार। मेरा सामने का टायर में 24 दिखा रहा है, 24 आई थिंक सेफ ही है चलाने के लिए, तो उतना भी टफ नहीं होगा। लेट्स सी हाउ इट गोज। अरे भाई साहब पहले ही ओके, बहुत गर्मी लग रहा है, अभी निकलते हैं, सीधा सीधा जाना है, फिर लेना है लेफ्ट, उसके बाद थोड़ा सा सिटी के अंदर चला के हम पहुंच जाएंगे हाईवे तक। ये रहा मेन हाईवे, चलो सब रिग्रुप हो गया, निकलते हैं। चल रोड अच्छा है इधर का, अभी कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रख के चलाना है, बाकी सब बढ़िया है। सो फार सो गुड। 241 किलोमीटर श्रीनगर के लिए इधर से। अरे हम लोग श्रीनगर घुसते ही डल लेक के पास ही हम लोगों का है, तो या ऑलमोस्ट 39-40 किलोमीटर में हम लोगों का हो जाएगा। बस अभी टाइम हो रहा है 7:06। जम्मू से उधमपुर के इस स्ट्रेच पे आपको काफी सारे इंजीनियरिंग मार्वल्स दिख जाएं, जैसे कि ना ये ब्रिज अभी जिसके ऊपर हम लोग राइड कर रहे हैं, और इससे आगे आपको आएगा एक इस शेप वाला ब्रिज या इस शेप वाला स्ट्रक्चर भी आप बोल सकते हो। इस हाइट पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देख के आपको लगेगा कि आप कोई डेवलपिंग कंट्री में नहीं, ऑलरेडी डेवलप कंट्री में आ चुके। ये रहा ऊपर इस, पूरा खाली रोड है, नज़ारे बहुत सही है, इधर वो खदान वदान होगा। और थोड़ा आगे बढ़ते ही आपको एक के बाद एक सुंदर टनल में से गुजरने का मजा ले सकते हो, दिस इज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस ऑफ इट्स ओन। और एक टनल आ गया, टनल नंबर 2। वो क्या बना है यार, जिस पहाड़ों के बीच से काट के। थर्ड टनल है, सही है। चलो हम लोग टनल गिनेंगे, कितने टनल है, कितने हुए, 3 टनल क्रॉस हो चुके हैं, अभी ये चौथा टनल है। टनल्स खत्म होते ही थोड़ा और आगे जाने पर हम लोग पहुंच गए कटरा। वो ऊपर वैष्णो देवी है वो सामने, ये कटरा लेफ्ट जाने से कटरा, राइट जाने से श्रीनगर। वो रहा वैष्णो देवी, वो कभी आएंगे, इस बार प्लान तो बना था बट हो नहीं पाया, बट फिर कभी। इधर से प्रणाम करते हैं और आगे चलते हैं, क्योंकि हम बाईपास करेंगे पटनीटॉप को, तो हम जाएंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चेनानी नाशरी टनल होते हुए। ये टनल 2017 में ऑपरेशनल हुआ है और स्थित है 1200 मीटर की ऊंचाई पर। अगर कोई लंबाई की बात करें तो ये टनल 9.3 किलोमीटर लंबी है। ओके तो लास्ट टाइम हम ये सफ़ेद वाला जो घर है ना उधर रुके थे, और ये लास्ट टाइम क्रॉस करने के टाइम रोक लिया गया था 2022 में, तो इधर ही रुक गए थे हम लोग। पीसफुल सा हो जाता है इवनिंग के बाद ना, बहुत पीसफुल हो जाता है, अभी थोड़ा सा रश है। ठीक है निकलते हैं।
बीप बीप क्यों कर रहे हैं यार, देखो तो अभी हम वापस जा रहे पवन के पास, पूरा टनल तक पहुंच गए थे, फिर अभी पता चला कि इसका टायर पंक्चर हो गया यार, ट्यूब वाला टायर है यार अभी। चलो ये रहा, अब कहाँ लेके जाएंगे देखना पड़ेगा इसको, लड़े लगे हुए हैं अभी। क्या हुआ? शिट, जगह ही ऐसा है साला, हर बार इधर ही जाके फंसते हैं। वहां सामने है दुकान, कितना सामने दुकान सामने है। या तो तुम पवन इसमें हवा भरते हैं अपन और अन्नू को दूसरी गाड़ी में बैठाते हैं, और तुम ऐसे गाड़ी अभी नहीं हमारे पास खाली, या तो उसको सामान यहाँ रख लेते पहले बना के ले आते, ये तो सही है। ए सुनो सुनो सुनो, हवा भरते हैं, हवा धीरे निकल रहा है ना, पहुंच जाएंगे अन्नू को दूसरी गाड़ी में। इन्फ्लेटर इन्फ्लेटर भाई, नहीं ले रहा है ये सब उतारना है। अरे अनलोड करना है, ट्यूब तो नहीं डलवा दूंगा, मतलब नहीं है अपने पास, पर टायर फट गया तो या रिम बैंड हो गया ना, रिम भी बैंड हो जाता है इसका, तो इसको क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके में? बाइक का तो हो गया, अभी टाइम हो रहा है 3:52। वेदर सब कुछ चेंज हो गया, हालात जज्बात सब चेंज हो गया। चलो हो गया। तो गाइस हमारे यही पीके मीना व्लॉग्स, थोड़े से टेंशन में आते हुए, और ये 99 में खड़े हुए हैं, बस शतक एक रन दूर है हमारा। भाई साहब ये काजी कुंड से पता नहीं क्या रिश्ता है हमारा, लेकिन कुछ तो यार हरियाणा फंसा था ना। हाँ बताओ, तब हम पहले ही निकलने वाले थे, सब कुछ था और ऐसा हो गया, सब रेडी। कितने दो घंटे लग गए करीब। ठीक है चलो, तो चलो जी निकल पड़े फिर से जा रहे हम लोग बनिहाल काजीगुंड टनल। यस वही जगह जहाँ से हम लोग वापस आए, बस अभी टनल में घुसने देते, बस 2-3 मिनट या 4 बजा है अभी, जस्ट अभी 4 बजा होगा और 2 घंटा और लगेगा, 6 बजे तक पहुँचेंगे। नहीं शिकारा शायद खुला रहेगा, वी हैव टू डू इट फास्ट। ठीक है शायद, यप नहीं तो सुबह की अर्ली मॉर्निंग का कुछ करना पड़ेगा। अच्छा दिखने वाला है, ये रहा बनिहाल काजीगुंड टनल, ये हम घुसे हैं साउथ पोर्टल से, घुस गए। चलो हाँ, टनल के अंदर ठंडा था यार, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि इधर ठंडी होगी बट ठंडी नहीं है। तो ये हम आ चुके हैं अभी काजीगुंड साइड पे,
पिछला वाला साइड था बनिहाल, ये है काजीकुंड नॉर्थ पोर्टल से हम लोग निकले। अभी बस सीधा सीधा चलाते जाना है, अभी अनंतनाग एंड ऑल सब क्रॉस करना है एंड श्रीनगर इज 73 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो देखते हैं यार, रोड खाली मिल जाए बस, और कुछ नहीं। लंबा दिन जा रहा है आज सुबह 4 बजे से। हाँ पवन है, तो आई कैन जस्ट सी ओनली पवन पीछे। बाकी इधर ये खेत वेत सब ग्रीनरी बहुत सही सुंदर दिखता है इस साइड को, खास करके इस साइड आने पे ना बहुत ही सुंदर एनवायरनमेंट हो जाता है। आज सही सुंदर रास्ता है, श्रीनगर 69 किलोमीटर, कारगिल 277 किलोमीटर। सही सही सही, एक नंबर। घर भी इधर थोड़ा अलग आर्किटेक्चर रहता है, बर्फ़ जमता है ना इधर, तो बर्फ नाच हमें इसीलिए ऐसा आर्किटेक्चर रहता है, बहुत सही सुंदर देखने को होता है। ग्रीन फील्ड, इतना सुंदर रोड और सामने जाओ फक। ये है वैली के नज़ारे भाई, नज़ारे नज़ारे नज़ारे। आह रोक क्यों लिया, रुक जाओ, आर्मी वाले ने रोक लिया है। चलो अबे चलो जी, पहुँचते। अभी भी 55 किलोमीटर बाकी है, 55 किलोमीटर करने में हमको लग सकता है ऑलमोस्ट 1 घंटा या शायद उससे भी ज़्यादा। ओ भाई साहब रोक लो, रोक लेते हैं, ऐसे ही छोड़ते हैं, ग्रुप में कंट्रोल करने में इजी रहता है। हम रनवे के ऊपर हैं, ये एक्चुअली एक रनवे है, ये रनवे। हाँ इसमें फाइटर एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं, ऐसा बना के रखा है, ठीक है। तो ये देखो पूरा रनवे का जैसा मार्किंग होता है, पूरा पूरा वैसा मार्किंग करके रखा है। आराम से फाइटर एयरक्राफ्ट भाई आराम से उड़ जाएगा, और हम हैं वो रनवे के ऊपर, तो हम भी हल्का उड़ा लेते हैं। वैसे लेट तो काफ़ी हो ही चुके हैं, तो थोड़ा पेस रखते हुए पहुँचते हैं श्रीनगर। बट यार इस रास्तों के बारे में क्या ही डिस्क्राइब करो, आप ही देख लो। जन्नत अगर कहीं है तो शायद वो ऐसा ही दिखता होगा, या शायद यही जन्नत है। बस एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप इस रास्ते से गुजर रहे हो तो आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड पे आपको बैट के फैक्ट्री और कुछ देर बाद आपको सैफरन के फैक्ट्रीज भी देखने मिल जाएंगे। तो अगर किसी को चाहिए, कोई अपने लिए खरीदना चाहता है, तो इस जगह पे देख सकते हैं, रेट्स सही मिल जाएंगे। पूछो कि होटल पहुंच जाए। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रुके बहुत देर, आप लोग पीछे दिखे नहीं, तो इसलिए बस सोचा कॉल करके बात कर लेते हैं। हाँ ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, मतलब ऑन ट्रैक ही हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, अरे बोलो होटल पहुँच रहे हैं। होटल है, मैं थोड़ा आगे हूँ, सबसे पहले मैं ही हूँ अभी, और पहुँच रहा हूँ अभी तो वो होटल में डायरेक्टली पहुँच रहा, मैंने ब्रेक नहीं लिया बीच में। लो जी हम पहुंच गए श्रीनगर के अंदर, अभी राइट लेफ्ट मार के गलियों के अंदर से शॉर्टकट मार के हम पहुंचते हैं अपने होटल पर, फिर जाएंगे डल लेक के पास। पहुंच गए, देखते हैं अभी थोड़ा बहुत चेक इन वेक इन का क्या सीन है, हालत तो टाइट हो चुका है एकदम। अभी हम लोग हैं डल लेक के किनारे और अभी चल रहा है गोल्डन आर्च, प्रोबेबली द बेस्ट टाइम टू बी इन एंड अराउंड डल लेक। आज शिकारा राइड नहीं करेंगे, वो आपको दिखाएंगे नेक्स्ट एपिसोड पे। तब तक मैं इधर बैठ के कश्मीरी कावा का लुफ्त उठाता हूँ, और अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड पे। ठीक है अरे बाबा, अरे देवा देवा देवा, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे।